अभी आपके टाइप 7 बाघ विधि पर आधारित प्रश्न है इसमें, तो इसमें भी वही कहा गया है यदि सी को 16 लिखा गया है तो गोपाला को क्या लिखा जाएगा। सी को 16, तो आपका काम वही है सबसे पहले इनकी नंबरिंग करो और क्या करो उनका जोड़ करना है। तो ध्यान दो, सबसे पहले आपके देखो सी को क्या लिखा जा रहा है 16, तो यहाँ लिखता हूँ मैं एस एच ई और इसको लिखा जा रहा है 16। तो ध्यान दें सबसे पहले इनके नंबर लिखेंगे, यहाँ पर एस के नंबर कितने होते हैं 19। देखो अगर मैं यहाँ से इसको बंद कर दूं आगे एक लगा दूं कितना बच जाता था 19, तो यहाँ आपके सी के नंबर हो गए 19। ठीक है, अब यहाँ देखो सर यहाँ सेकंड में तेरा, हाँ यहाँ देखो यहाँ अगर मैं इसको बंद कर लेता हूँ तो कितना बन गया 8। एज के नंबर कितने होते हैं 8। ई फॉर इवनिंग कितने होते हैं 5। इनको जोड़ते हैं, हमेशा आपको जोड़ ही करना है, फिर गुणा करना है, भाग करना है, बाकी करनी है, फिर आपको बाद में पता लगाना है। आप सबका जोड़ करो, 19 और 8 कितने हो गए 27, 27 और 5 कितने हो गए 32, कितने हो गए, लेकिन यहाँ तो कितना आ रहा है और जोड़ करने पर कितना आया। अभी उधर देख लेते हैं उसका क्या नाम है गोपाला, तो देखो जी ओ पी एल ए, अब इनका भी क्या करेंगे जोड़, जी 7 ये देखो 7 बन रहा है तो इसका नंबर कितना है, इसका तो जी का तो बहुत आसान है, देखो जी मतलब 7 ये आपका गया, ओ मतलब ज्योति, जे ओ दूसरे नंबर पे कितना आएगा इसका नंबर 15, पी मतलब 16, पूजा 16 सोमवार, ए का मतलब एक, एल का मतलब लंच और लंच कितने बजे 12 बजे, ए का मतलब एक। ठीक है, अब इसका भी क्या करेंगे जोड़ करेंगे, देखो एक और दो 3, 3 और एक 4, 4 और 6 10 और 5 15 और 7 22 का 8 का 2 और 2 सॉरी 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 5 कितना आया 52 आया आपका। अब ध्यान दो सही है जोड़, हां सही सर 52 सही है। अब क्या करना है देखो यहाँ पर आपका जोड़ कितना आया, लेकिन आप कितना दे रखा है 2, आधा होता है 32 का, इसमें कितना भाग लगाएंगे 2 का भाग लगाएंगे, 2 से काटो कितनी बार जाएगा 16 बार। अब इसमें 2 का भाग लगेगा तो इसमें भी किसका भाग लगेगा 2 का भाग लगेगा, 2 का भाग लगाओ कितनी बार जाएगा 26 बार, 26 बार कितनी बार जाएगा 26 बार, 2 का भाग लगेगा इसमें 26 बार, आपका ऑप्शन में उत्तर क्या जाएगा 26 आ जाएगा, आया समझ में। अब इसी प्रकार दूसरा देखो ये वाला सेम टू सेम इसी में, इसमें ध्यान से देखना आसानी समझ आ जाएगा, तो ध्यान दे पहला ये उतार देना बाद में। देखो यदि एजेंसी को 11 लिखा गया, एजेंसी को क्या लिखा जा रहा है 11, तो प्रिंस को क्या लिखा जाएगा। अब सबसे पहले एजेंसी को लिख लो यहाँ पर और उसकी नंबरिंग कर लो, एजेंसी को लिख लेते अपन और उसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ध्यान दो सबसे पहले लिखेंगे एजेंसी ए जी ई एन सी वाई एजेंसी, तो ध्यान देना है आप सबसे पहले आप एजेंसी को क्या लिखा जा रहा है 11 लिखा जा रहा है, आप इसकी नंबरिंग कर लो, इसका क्या करना है जोड़ करना है, ए मतलब ए जी 7 ये देखो 7 बन रहा है कितना नंबर आ जाएगा 7, ई का मतलब 5 इवनिंग 5 बजे, एन का मतलब मेरा मोबाइल नंबर 13 14, सी का मतलब 3 और वाई का मतलब 25, या तो ज्योति से ले लो या जेड से पहले आता है तो कितना 25। अब इनको जोड़ेंगे देखिए जोड़ने पर कितना आता है 5 और 3 8 और 4 12 और 5 17 और 7 24 और 1 25 का 8 का 1। अब देखो 2 और 1 सॉरी 8 का 2 2 और 2 4 4 और 1 5 कितना आया 55, लेकिन यहाँ तो कितना आ रहा है 11 आ रहा है ना। अब आगे देखेंगे, पहले इसको यहीं कहीं छोड़ दो, अब दूसरा एक प्रिंस को देखेंगे, तो ध्यान दो पी आर आई एन सी ई, अब इसके भी अपन यहाँ पर नंबर ध्यान रखेंगे, देखो पी पूजा और पूजा 16 सोमवार, ये ऐसे भी याद रख सकते हो,
16 की पीके सो गया, 16 की पीके सो गया, पर तुम तो पूजा 16 सो मारी याद रख लो। पी का मतलब 16, आर का मतलब राइट एज फॉर ओल्ड, ओल्ड डालने की सही उम्र। आई का मतलब नो, आई नो। एन का मतलब मोबाइल नंबर 13। सी का मतलब तीन और ई का मतलब पांच। अब इनको भी जोड़ेंगे, 5 और 3 8 और 4 12 और 9 21 21 और 8 29 29 और 6 33 आखिरकार 3 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 जोड़ करने पर कितना आया 65। इधर जोड़ करने पर कितना आया 55। लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 11 आ रहा है ना। अगर अपन इसमें 5 का भाग दे देते तो कितना आता है 11। दे सकते हैं या एक काम करो 11 का भाग इसमें देके देख लो, 11 5 55 कितनी बार जा रहा है 5 बार जा रहा है, मतलब इसमें कितना भाग जाएगा 5 का। तो अगर अपन 55 में 5 का भाग देते हैं 11 5 कितना आ गया 55, कितना आ रहा है 11। अगर इसमें 5 का भाग लगेगा तो इसमें भी कितने का भाग लगेगा 5 का, तो ये 5 का भाग जो 13 बन जो कितना आया 13। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 13। तो ध्यान दो, अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न करने हैं तो आपको जो वर्णमाला के अक्षर है उनका नंबर पता होना चाहिए, और उनका नंबर पता करने के लिए आप हमारा पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें इनके नंबर को आसानी से बताया गया है, उन नंबरों को देख के इस प्रकार के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो।